नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा 2019 के चुनाव के नजदीक आते ही प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। ग्वालियर जिले में मतदान ज्यादा से ज्यादा हो और मतदाता अपने मत का उपयोग सही ढंग से प्रयोग कर सके, इसके लिए शनिवार को ग्वालियर 16 पूर्व के बीएलओ की एक मीटिंग बाल भवन में बुलाई गई, जिसमें बीएलओ को ट्रेनिंग देने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी ने वहां मौजूद सभी बीएलओ को समझाया कि किस तरीके से पर्ची वितरित करनी है। कोई मतदाता बिना पर्ची के छूट न जाए और यदि किसी मतदाता का नाम पर्ची में नहीं है तो ऐसे नामों की एक लिस्ट तैयार करके जिम्मेदार अधिकारी को सौंपी जाए, जिससे ग्वालियर शहर की ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सके। आगामी लोकसभा निर्वाचन की तैयारियां चल रही हैं, उसी क्रम में 16 ग्वालियर पूर्व के बीएलओ को यहां बुलाया गया था, जो मतदाता पर्ची वितरण का कार्य होना है उसके संबंध में इनको निर्देश दिए गए हैं, इसीलिए उसमें मीटिंग थी। नहीं, कोई परेशानी नहीं, वो उनके जो पुराने अनुभव हैं, वो किसी को इस तरह का है कि हमें पुलिस ने बाहर कर दिया, थोड़ा दूर बिठाया, किसी का कहना है कि हमें फर्नीचर नहीं मिला, तो वो हैं, ये छोटे मोटे हैं मामले, ये स्वाभाविक है कि आते हैं, इनको दूर किया जाएगा, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। वो जो इलेक्शन के जो निर्देश हैं इलेक्शन कमीशन के, वही निर्देश इनको बताए गए हैं कि कैसे पर्ची बांटना है। पर जिनकी पर्चियाँ वितरण नहीं होती उनकी एक सूची बनाई जाती है, एब्सेंट है या शिफ्ट होके चला गया या उनकी मृत्यु हो गई है, तो वो रहता एक सूची बनती है, वो उनको बता दिया है और टाइम से पर्चियां वितरण का कार्य है वो उनको करना है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण को लेकर उपजा असंतोष अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे और मुरैना से पार्टी के सांसद रहे अनुप मिश्रा ने एक बार फिर पार्टी का नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा कैडर बेस पार्टी नहीं रही, अब ये मास बेस पार्टी बन कर रह गई है। ऐसे में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा भी देखी जा रही है। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से अपना टिकट कंफर्म मानकर चल रहे मिश्रा को इस चुनाव में टिकट नहीं दिया गया है। उनका कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जिसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से महापौर विवेक नारायण सेजवलकर को पार्टी ने टिकट दिया है, लेकिन मिश्रा का कहना है कि उनकी कार्य पद्धति और प्रबंधन पर पकड़ कमजोर है। उनका कहना है कि वो पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और पार्टी के हित में जो भी काम होगा उसे करेंगे। सांसद रहे मिश्रा ने पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि टिकट वितरण में कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ध्यान रखा जाता तो बेहतर होता, क्योंकि शिवराज सरकार के दौरान 15 सालों में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई। नतीजा ये रहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बन सकी। टिकट वितरण में पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ध्यान रखता तो नतीजे और ज़्यादा बेहतर हो सकते थे। कार्यकर्ता की नाराजगी अपनी जगह जायज है, कहीं ना कहीं टिकटों में सोच समझ के निर्णय नहीं हुआ ऐसा मैं मानता हूँ। जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, उनकी खैर खबर लेने वाला कोई नहीं। तो 15 साल सरकार में हुई थी, उसका परिणाम विधानसभा में देखने को मिला, लेकिन अभी भी उपेक्षा हो रही है, उस उपेक्षा से कार्यकर्ता आते तो इसके परिणाम क्या लोकसभा में? अब ये तो आज नहीं कह सकता, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। शनिवार को मोदी हाउस में भाजपा की पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे शहर भर से प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता कर रहे देवेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ को अधिक से अधिक मजबूत बनाने के लिए अभी से अपने क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें और मतदाताओं को घर से बाहर निकल मतदान करने के लिए प्रेरित करें। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी विवेक नारायण सेजवलकर की जीत तो सुनिश्चित है और इस जीत को और बढ़ाने के लिए आज बैठकों का दौर प्रारंभ है। लगातार महीने भर से
मंडलों की, विधानसभा की, वार्डों की, आज से मोर्चों और प्रकोष्ठों की बैठक का दौर प्रारंभ हुआ है। सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों को उनको जनसंपर्क और उनको अपने अपने क्षेत्र में मतदान केंद्र को मजबूत करने के लिए, बूथ मजबूत करने के लिए काम दिया जाएगा। हनुमान जयंती पर जगह जगह शहर में उत्साह का माहौल रहा। शहर के हर चौराहे पर भंडारों के दरबार खुल गए। यूं लग रहा था मानो पूरा शहर हनुमान जी के दर्शनों और प्रसाद के लिए सड़कों पर उतर आया हो। शहर में जगह जगह हनुमान जी की रथ यात्रा एवं झांकियां भी निकाली गई। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी के जन्मोत्सव पर गोलपाड़ा हरजीरा स्थित बालाजी महाराज की रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा कोटेश्वर मंदिर से शुरू होकर सड़कों, गलियों, चौराहों से होती हुई हजीरा स्थित मनोरंजनालय जाकर खत्म हुई। रथ यात्रा में हनुमान जी बने मानवों ने रथ यात्रा के दौरान हनुमान के कई कर्तव्यों को दिखाया। साथ ही जय श्री राम के जयकारों से पूरी रथ यात्रा गुंजायमान रही। रथ यात्रा में शहर के धर्म प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और चौराहों पर रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। ईश्वर के प्रति आस्था, हनुमान जी महाराज के प्रति आस्था बढ़ाने के लिए और आप सबके चेहरे पे खुशी हो, हमारे चेहरे पे खुशी हो, बस यही उद्देश्य है इसका। पिछले साल इसका उद्देश्य पानी बरसने के लिए था, भरपूर बरसात हुई ग्वालियर में और इस बार शहर की खुशहाली के लिए राम हनुमान रथ यात्रा निकाली जा रही है। ग्वालियर के पत्रकार बंधुओं ने हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में 20 अप्रैल को शनिवार को फूलबाग चौराहे पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसादी प्राप्त की। ट्रांसपोर्टर की पत्नी ने शुक्रवार को फांसी लगा ली। ससुराल वाले सुसाइड के पीछे की वजह नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन मायके पक्ष ने ससुराल में उसके परेशान रहने की आशंका जाहिर की है। महिला ने क्यों फांसी लगाई है, पुलिस इसकी विवेचना कर रही है। आपको बता दें कि ग्वालियर शहर के हजीरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसका नाम पूजा भदौरिया, जो 25 वर्ष की रेशम मिल चंदनपुरा बिरला नगर की रहने वाली है। मृतका के पति का नाम मुनीश भदौरिया है। दोनों की शादी को 5 साल हुए थे। मृतका इंदौर की रहने वाली है। मायके के लोगों ने मुनीश और उसके परिवार पर महिला को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस विवेचना कर रही है। ये मेरी बहन है और मैं इंदौर से आया हूँ अभी, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ है ना पहले मारपीटी हुई है, उसके बाद इसे टॉर्चर होके फिर फांसी लगाई है। मेरी बहनों को एक दो बार बोला है कि यार कि हाँ परेशान करते हैं, मारपीटी भी कभी मामी कुछ करती है, मतलब वो जैसे इनका कहना है, ये बोल रहे हैं कि वो साफ सफाई और ये काम करना नहीं आता, इससे कोई फांसी थोड़ी लगाता है। 7 महीने पहले की बात है, मुझसे तो नहीं करा, लेकिन मेरी जो बहनें हैं उनसे बात जरूर करी उसने और ये सब बताया। वो हमको तो शक है, तो हमने अभी वो जो पुलिस फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी सॉरी, वो भी बुलाया हमने, और जिससे कि अब एक सीडी मिले। अगर हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी कोई संदेह रहता है तो मैं इसको फिर किसी दूसरे डॉक्टर को भी दिखाऊंगा। इस संदेह के आधार पे मैंने यहाँ पे वो वीडियोग्राफी भी करवाई है। देखिए, कल थाना पर सूचना मिली थी कि पूजा भदौरिया नाम की एक युवती है जो कि नवविवाहिता है, उसने अपने घर में ही फांसी लगा ली है। मौके पर तहसीलदार साहब, एफएसएल टीम आ गई है, उनके द्वारा पंचनामा कराया गया व विधिवत कार्रवाई की गई। उसके बाद शव को डेड हाउस में रखवाया गया। अब परिवार की मांग ये है कि दौरान पीएम उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए, तो उसकी सहमति लेकर उसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है। नहीं, अभी तक कुछ बरामद नहीं हुआ है। देखिए, जाँच का विषय, अगर कुछ बरामद होता है तो उसको आगे कार्रवाई होगी। आयसर को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। टक्कर उस समय हुई जब आयसर झांसी से शादी का सामान लेकर आ रही थी। ट्रक और आयसर की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। ट्रक के चालक को आयसर में बैठे अन्य साथियों ने पकड़ लिया है। यह दुर्घटना आरोन मकोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र की है। जब मकोड़ा पे हुआ था, उधर से गाड़ी हमारी आ रही थी, भाई चला रहा था छोटा, इधर से ट्रक वाले ने उसमें सीधी जट दी, टक्कर दी सामने से। जो करीब 2:30 बजे के करीब घटना है, जो झांसी से आ रहे थे, गाड़ी में माल लदा हुआ था। और आप हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए इंडिया खबर लाइव के साथ। नमस्कार।